हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, हाई, मेरा नाम भारती है। मैं यहाँ आपको वीडियोज प्रोवाइड करती हूँ स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, बहुत सारी हॉल वीडियोज करती रहती हूँ। सो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप क्रधा की कुछ हरकतें देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके राइट साइड में सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर दीजिए। वहीं पर एक बेल आइकन बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी प्यारी सी बेटी आज है कैमरा पे, इसको बहुत शौक है ऐसे आने का, कैमरा को देखने का, लाइटिंग देखने का। तो ये ऐसे लाइटिंग से अट्रैक्ट होके मेरी वीडियो के पास आ जाती है। वैसे भी इसको मेरे साथ रहना बहुत बहुत पसंद है। सो अभी ज्यादा बातें ना करते हुए हम आज क्रिएट करेंगे ये मेकअप लुक। और मैं आज यूज करने वाली हूँ एल्फ कॉस्मेटिक्स के ब्रशेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आपको उनका भी मैं एक काइंड ऑफ रिव्यू दे दूंगी कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं। ऑल्सो एल्फ कॉस्मेटिक्स से एक ब्रॉन्जर भी आया था मुझे, तो मैं उसका भी रिव्यू दे दूंगी। सो ये सब चीजें आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, सो हियर आर माई ब्रशेस। ऐसे मुझे ये रिसीव हुए थे इस बैग में, एंड हियर दे आर। सारे ब्रशेस यहाँ पे हैं। एंड जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, इनके ब्रिस्टल्स काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इनका एप्लीकेशन कैसा है ये आज हम टेस्ट करेंगे और इस मुरझाए हुए चेहरे को थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस फर्स्ट। सो बेस लगाने से पहले आई विल बी यूजिंग दिस डॉट एन की स्ट्रोब क्रीम, क्योंकि मेरे पास रखी हुई है और यूज तो करना ही है। सो आई एम यूजिंग दिस स्ट्रोब क्रीम। मैंने यूज नहीं की है एक भी बार अभी तक, मतलब सिर्फ ट्राई किया है, यूज नहीं किया है। सो यस, आई एम यूजिंग दिस। मैं एक अच्छा अमाउंट लूंगी स्ट्रोब क्रीम का, बिकॉज आई वॉन्ट दैट ग्लो एंड शाइन इन माई मेकअप। एंड गाइज, इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अच्छी है, एकदम स्ट्रॉबेरी कैंडी की जैसी है। एंड हियर माय क्यूट लिटिल प्रिंसेस क्रधा, शी इज प्लेइंग। इस पे भी मेरी नजर है, तो हम फिलहाल दोनों जगह नजर रखते हुए काम कर रहे हैं। मेकअप भी करना है एंड क्रधा का भी ध्यान रखना है ताकि बेड से ना गिर जाए। एंड ओके, स्ट्रोब क्रीम इज डन। कैन यू सी द ग्लो? कैन यू सी द शाइन? Yes. आजकल के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग इतनी ज़्यादा अजीब सी हो गई है, इनको पैक करना ना एक टास्क हो जाता है ऐसे। वैसे अच्छी बात है, सेफ आते हैं प्रोडक्ट्स। और क्रधा ने मेरा बैग ले लिया था अभी सारा ब्रशेस का। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस। बेस के लिए हम ये फाउंडेशन ब्रश यूज कर रहे हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दीज ब्रशेज एंड लेट्स क्रिएट द बेस। आप कौन सा फाउंडेशन यूज करते हो मुझे बताना। मैं तो ज्यादातर मेबलिन ही यूज करती हूँ। एंड आपका कौन सा फेवरेट का फाउंडेशन है, फाउंडेशन शेड क्या है, आप शेड कैसे सेलेक्ट करते हैं, सारी चीजें मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो आई एम इन दी शेड 120 मेबलिन फिट मी। आई गेस ये शेड काफ़ी लोगों पे चला जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये शेड लगाते हुए देखा। मैंने फाउंडेशन ज़्यादा ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा ले लिया है। और क्रधा यहीं पे ही है, जस्ट यहीं पे। आवाज़ आई उसकी? सी ओके गाइज, सो ब्रश तो मुझे पसंद आ रहा है। कैन यू सी की बारी में कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा लिटरली। एंड मेरी बेटी मुझे कुछ करने नहीं देगी, कुछ नहीं करने देगी। इतना मुश्किल से टाइम देख देख के मैं वीडियो बनाती हूँ। मैंने इसको सुलाया था एंड मैंने सोचा था मीनवाइल ये सो रही है, मैं फटाफट से वीडियो बना लूंगी। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाने के लिए सारा मेकअप का सामान निकाला, मैडम जी उठ गई। ओके गाइस, सो ब्रश तो काफी 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 ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी इसको अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करने में। वैसे भी फाउंडेशन जल्दी ही ब्लेंड हो जाता है, बट स्टिल मतलब बहुत ही ईजिली ऐसे ब्लेंड हो गया। And I literally did not do anything. बस ब्लैक ब्रशेस का ये है, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा भी प्रोडक्ट लगा और ये गंदे हो गए।
आज हम मोस्टली सारे ही प्रोडक्ट लगाएंगे ताकि सारे ही ब्रशेस का यूज कर सकें और देख सकें। और क्रोधा की अगर आपको आवाज आ रही है तो मैडम ऐसे ही करती है। माई बेस इज डन और बहुत ही अच्छे से एकदम ही फ्लॉलेस सा बेस क्रिएट हो गया है। और इतनी जल्दी गाइज, इतनी जल्दी मेरा बेस क्रिएट हुआ है ना, आई मस्ट से बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मतलब सॉरी बहुत ही अच्छा ब्रश है। बातों बातों में भूल गई कि मुझे रिव्यू किसका करना है, फाउंडेशन का कि ब्रश का। नाउ लेट्स अप्लाई दी कंसीलर। कंसीलर का मेरे पास, कंसीलर के लिए मेरे पास मेबिलिन का ही कंसीलर है एंड इट इज इन द शेड 10 लाइट। और मैं इसी को अप्लाई करूंगी। मैं बहुत कम कंसीलर अप्लाई करती हूँ, अप्लाई करती भी हूँ तो इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्लेंड होता है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। बट क्योंकि आज हमें ब्रशेस का सारा टेस्ट करना है तो आज हम जहाँ जहाँ कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ सारी जगह कंसीलर लगाएंगे एंड आज फुल ऑन मेकअप करेंगे। मैं जनरली ना वीडियोज़ के लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी मेकअप करती हूँ, काफ़ी सारे स्टेप्स मैं अपने स्किप कर देती हूँ व्हेन एवर आई एम डूइंग माई मेकअप। कंसीलर वाला जो ब्रश है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है उसके ब्रिस्टल्स थोड़े से स्टिफ होने चाहिए थे, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर दिया इसने भी। सी ब्लेंड हो गया, बहुत इजीली ब्लेंड हो गया। आई डोंट नो ये प्रोडक्ट्स ही इतने अच्छे हैं या फिर ये ब्रशेस का कमाल है कि प्रोडक्ट्स इतना इजीली ब्लेंड हो रहे हैं। फटाफट से आईज कर लेते हैं। सो अभी तक के लिए बेस एकदम ही बढ़िया हो चुका है मेरा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और क्रेधा ने इसमें से सारा सामान जो था वो निकाल दिया है। ये देखिए मैडम कैसे बैठी है यहाँ पे, आप सामान देख रहे हैं मेरी फिट मी की, मेरी ये सुपर स्टे फाउंडेशन और भी बाकी सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। थैंक्स टू हर सारा सामान निकाल के दे दिया कि आज तो सब लगा लो मम्मी, सब मेकअप कर लो। सो बेस हो चुका है अच्छे से एकदम ही बढ़िया। अब थोड़ा आईज कर लेते हैं। आईज के लिए आई एम यूजिंग माई फेवरेट पैलेट हुडा ब्यूटी का, जिसमें बहुत ही ऐसे न्यूट्रल से न्यूड से शेड्स हैं जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज द शेड राइट हियर। इसको मैं ऊपर अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से अप्लाई करूँगी पहले। आपको शायद कैमरे पे ना दिख रहा हो बट कलर तो आ रहा है, सी हियर एंड हियर डिफरेंस आप देख ही सकते हैं। और क्रोधा ने मेरे बाल खींच लिए हैं, देख रहे हैं आप मैं ऐसे टेढ़े होके क्यों बैठी हूँ, किसने मेरे बाल खींचे हुए हैं। आ बेटा रुक जा, बालों का तो बहुत इशू है गाइज, बच्चा हो और लंबे बाल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आपका बच्चा है मेरी एडवाइस ले लो, लंबे बाल कटवा दो मत रखो, बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बाल खोल नहीं सकते, जूड़ा बना के रहना पड़ता है। जब भी बाल खोलोगे आपका बच्चा आपके बाल खींच लेगा और आप गुस्सा भी नहीं कर सकते। ब्लेंडिंग में भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गई है दोनों ही आई शेडो, दोनों ही साइड की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, इवन मतलब इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हुई है। नाउ आई एम अप्लाइंग, मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूट्रल सा रखना चाहती हूँ इस लुक को, सो आई विल अप्लाई मे बी दिस शेड राइट हियर। क्रेधा को आना है तो उसको बिठा लेते हैं और मेकअप करते हैं। शी वॉन्टेड टू कम सो मैंने सोचा ठीक है, इफ शी वॉन्ट्स टू कम लेट हर कम। कितनी मासूम सी लगती है ना ये बैठी हुई, पर है नहीं मासूम ही, बिलीव मी बहुत परेशान करती है और बहुत शैतान है। She is so शैतान, I am telling you. Now ये इतना हो गया है, मैंने आउटर कॉर्नर्स पे भी लगा लिया है। मैं बहुत लाइट मेकअप करने वाली हूँ तो यहाँ से ये वाला शेड लूंगी और अपने इनर कॉर्नर्स में, मतलब इनर कॉर्नर से आगे तक इसको लेते हुए ऐसे अप्लाई कर लूंगी, एक ही ब्रश से मैं सारा काम कर लूंगी।
मुझे आई मेकअप करने में भी कोई ज्यादा मेहनत लग नहीं रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी हो रहा है. मतलब मुझे ऐसा लगा दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम इन्वेस्टिंग नो टाइम इन मेकअप, क्योंकि मैं जनरली बहुत ज्यादा टाइम लगाती थी ब्लेंड वगैरह करने में, बट अभी तो ब्लेंड बहुत ज्यादा इजीली हो रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ. हाँ, ये ना इसमें जो मिरर है उसमें अपना अपने आप को देख रही है, सो दैट इज व्हाई इतना खुश है. एंड नाउ थोड़ा सा शिमर एंड यू आर गुड टू गो. कैन यू सी बहुत हल्का सा लगाया मैंने. मैं शिमर मोस्टली जो ग्लिटर होता है, शिमर होता है, मैं ना फिंगर से ही लगाती हूँ. मुझे उसी से लगाने में अच्छा लगता है ये शिमर और ये, क्योंकि ज्यादा अच्छे से मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अच्छे से लगता है और पिगमेंटेशन भी इसकी ना फिंगर से ज्यादा अच्छी आती है. आई मेकअप में मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी, बट आई विल टेक दिस एंगुलर ब्रश राइट हियर. ये एंगुलर ब्रश लूंगी और एक डार्क वाला शेड ना ले लूंगी और उसको मैं अप्लाई करूंगी. सो डार्केस्ट शेड ले रही हूँ मैं, जो कि है ये वाला. ये शेड को लेके एज अ लाइनर अप्लाई करूंगी, बट उसको मैं स्मज कर दूंगी. अच्छा लग रहा यार, एज अ लाइनर लगे रहने देती हूँ. गाइज ये भी एक टैलेंट है, बच्चा साथ में बैठा हुआ है एंड आई एम डूइंग माय मेकअप इन फ्रंट ऑफ यू. तो मैं आज आपको ये भी सिखा रही हूँ कि बच्चा साथ में हो तो कैसे मेकअप करते हैं और कितना जल्दी मेकअप करते हैं. सो फटाफट से मैंने ये लाइनर लगा लिया जो कि अच्छा लग रहा है, और बीच बीच में क्रेधा की आवाज आई रही होगी आपको, क्योंकि माइक के बहुत पास बैठी है. तो ये जो भी चाइनीज, कोरियन, जापानीज जो भी ये बोल रही है वो आप सब सुन लीजिए. अभी मैं आईब्रोज भी करनी है तो मैं फटाफट से यही एंगुलर ब्रश लूंगी. वैसे तो काफी छोटा है आईब्रोज के लिए, बट इसी से काम चलाना है क्योंकि आज हमने यही ब्रशेस का यूज करना है. तो मैं एज यूजुअल डार्क ब्राउन शेड और थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके ले रही हूँ और अपनी आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ यहाँ पे कैमरा में ही देख के, जैसा भी हो पा रहा है. बिकॉज अभी या तो मिरर पकड़ सकती हूँ या मेकअप कर सकती हूँ, क्योंकि क्रेधा को मैंने पकड़ा हुआ है. मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ आईब्रो को, क्योंकि फिर वो ना फेक सा ऐसे लगने लग जाता है. आई लाइक एकदम नेचुरल लुक मेरी आईब्रोज का जो होता है, तो नेचुरल लुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. इसलिए मैं सिर्फ जो भी फिल इन करना होता है, जो भी थोड़ा बहुत रहता है, वही कंप्लीट करती हूँ फिल इन करके, एंड दैट्स इट. मैं ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ आईब्रोज के साथ. नाउ आई विल अप्लाई दी ब्रॉन्जर, एंड फॉर ब्रॉन्जर आई एम यूजिंग दी एल्फ ल्यूमिनस पुट्टी ब्रॉन्जर. और मैं इसको ऐसे कॉन्टोर ही लगा लूंगी क्योंकि मुझे इसे ट्राई करना है. ये इसका फ्री आया था बाय द वे, मुझे फ्री मिला था ये, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. वैसे गर्मी है, आई प्रेफर कि मैं सारे पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करूँ, बट इसका भी ठीक है, एक रिव्यू सा हो जाएगा. तो मैंने इसको लिया थोड़ा सा, ये वाला ब्रश एंगुलर सा ब्रश है ये कॉन्टोरिंग के लिए, और ये आ ही नहीं रहा है, आई डोंट नो वाई. ओके जी, मैंने चीक्स को कॉन्टोर कर लिया. मैं नोज को कॉन्टोर नहीं करूंगी क्योंकि मुझसे बहुत गड़बड़ी हो जाती है जब भी मैं अपनी नोज को कॉन्टोर करती हूँ. अब ले आते हैं हम ब्लश वाला ब्रश. ओके जी, तो हम यूज कर रहे हैं दिस ब्लश फ्रॉम स्विस ब्यूटी. काफी अच्छी पिगमेंटेशन है और मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है. इसको इस साइड लगा देंगे बच्चे हुए को, ज्यादा है वैसे तो, बट लेट्स सी. ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, ब्लेंड करना पड़ेगा इसको. ज्यादा तो लग गया है पर ब्लेंड कर लेंगे हम. यस, बेटर, मच बेटर. अब मेरी आईज ऐसे फीकी फीकी सी लग रही है ना, नहीं लगेंगी, वेट थोड़ी देर रुक जाओ, बस करेंगे आईज में भी कुछ ताकि थोड़ी अच्छी लगे. मेकअप करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है, मैंने कहीं किसी से सीखा नहीं है, ये तो आपको पता लग ही रहा होगा. मैंने मेकअप कहीं से सीखा नहीं है, ठीक है, खुद ही कर करके आ गया. और वो भी ऐसा कोई बहुत टाइम नहीं हो गया मुझे मेकअप करते हुए. मैंने जो प्रॉपर मेकअप करना स्टार्ट किया था ना, दैट वॉज आफ्टर माई मैरिज ओनली. शादी के बाद ही मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया था, एंड तभी मैंने ये अपना फेवरेट हाईलाइटर लिया था, मैक का. मुझे इतना पसंद है ना गाइज ये हाइलाइटर,
वैसे तो फैन ब्रश है, आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग दैट, पर चलो अभी इससे लगा लेते हैं। दूसरी साइड में फैन ब्रश यूज करके लगाऊंगी। फैन ब्रश जो है ना वो हाइलाइटर को ठीक से पिक नहीं कर पाता है क्योंकि इतना पतला सा होता है, उसमें कितना ही हाइलाइटर आ जाएगा। बट लेट्स सी, ये रहा हमारा फैन ब्रश, पिक नहीं करता यार ये प्रोडक्ट को ना फैन ब्रश। सी उनको हजार बार थोड़ा थोड़ा पिक करो फिर लगाओ, मुझे ना वो पसंद है नहीं। या तो एकदम ही थिक फैन ब्रश हो इसका, मुझे पता ही फैन ब्रश बहुत कम पसंद आते हैं, थिक होना चाहिए फैन ब्रश। हाइलाइटर के लिए तो यार यू शुड हैव थिक ब्रश ताकि अच्छे से पिकअप हो जाए हाइलाइटर, क्योंकि हाइलाइटर ही तो होता है ना सब कुछ, मेकअप में जान जो डालता है वो हाइलाइटर ही तो डालता है। तो हाइलाइटर तो मेरे हिसाब से अच्छा तो होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे फोरहेड पे लगा लो। अभी भी मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है वैसे हाइलाइटर लगा के, बट ठीक है अब ठीक है। सो मैं बात कर रही थी आईज की कि आईज कुछ ऐसे खास नहीं लग रही है, और मेरी बेटी लिपस्टिक्स के साथ में लगी हुई है, आज तो वो सारी लिपस्टिक लगा के रहेगी भाई, आज नहीं छोड़ेगी वो कोई लिपस्टिक। गाइस एक चीज ना मिस्ट्री है मेरे लिए कि बच्चों को उनके खिलौने पसंद क्यों नहीं आते हैं, मतलब जितने भी टॉयज हम लेके आते हैं उनको वो तो पसंद नहीं आते हैं लेकिन बाकी अजीबोगरीब चीज उनको दे दो। सी इसके अंदर मैं मिनीसो से आईलैशेस लेके आई थी, वो है इसको क्या पता, लेकिन सब खेलना है इसको पता नहीं क्यों। अगर आईलैशेस अच्छे से फिल हो जाए तो आई मेकअप कितना अच्छा लगने लगता है ना, आपने कितना भी खराब आई मेकअप किया है ना आईलैशेस लगने के बाद वो बहुत अच्छा लगता है, और ये हमेशा होता है। आप बताओ आपका मेकअप में सबसे फेवरेट पार्ट क्या है। भाई मुझे तो मेकअप में हाइलाइटर बहुत पसंद है, आप मुझे बताइए कि आपको मेकअप में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पसंद है, कमेंट डाउन। और अगर आपको हाइलाइटर पसंद है तो कौन से वाला हाइलाइटर पसंद है वो भी मुझे बताइए। मैं ना ये आईलैशेस लेके आई थी मिस मिनीसो से, सो ये ऐसा है कि ऐसे ही स्टिक हो जाती हैं, तो आई वांट टू चेक कि ऐसा होता है या नहीं। उन्होंने कहा था कि इसको लगाने के लिए आप किसी भी ग्लू की ज़रूरत नहीं है, सो लेट्स सी कि कैसे काम करती हैं। ओके गाइस स्टिक तो हुई है, ये मुझे आज नहीं करने देगी भाई, नहीं लग रहा है। रुक जा बाबू रुक जा बेटा, आईलैशेस लगा दी तो मैडम आ गई, रुक जा गिर जाएगी। नहीं कैन यू सी, ओह माय गॉड दीज आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अगर ये काम कर जाता है ना गाइस मेरी लाइफ सॉर्टेड है, क्योंकि आज से पहले मुझसे कभी भी आईलैशेस लगी ही नहीं है ठीक से। मैं ऑफ कैमरा जाके ये आई पे भी लगा लेती हूँ वरना ये तो कुछ नहीं सुनने देगी। ओके गाइस जितना इजीली ये वाली स्टिक हो गई उतना ही प्रॉब्लम मुझे इस वाली आई में हुई है, बिलीव मी बहुत प्रॉब्लम हुई है, और अभी भी ये ना आईलैशेस ठीक से लगी नहीं है। इससे बढ़िया है कि ग्लो वाली आईलैशेस लगा लो, मैं वही ट्राई करूंगी अब से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनको लगाने के बाद कि वो वाली आईलैशेस लगाना बहुत 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 ज़्यादा ईजी है, क्योंकि एक तो अलग अलग आती हैं तो एक एक करके स्टिक करना पड़ता है, और ग्लू नहीं लगाना बट स्टिक करना तो है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला काम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और अब हमारा एक लास्ट काम आ गया, दैट इज़ टू अप्लाई लिपस्टिक, फटाफट से लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। आई एम अप्लाइंग दिस लिपस्टिक फ्रॉम रेनी एंड इट इज़ इन द शेड क्रेविंग फॉर कॉफ़ी, सो मैं ये लिपस्टिक पहले अप्लाई करूँगी एंड आई थिंक अब मुझे बात कर देना करना बंद कर देना चाहिए। ऑन द टॉप ऑफ इट आई नो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा बट ऑन द टॉप ऑफ इट आई अप्लाई दिस लिपस्टिक फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड इट इज इन द शेड पिंक लव 20। तो मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी, पहले मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, ये इससे मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा शेड, एंड इसको मैं अप्लाई करूंगी इसके ऊपर। ओके गाइस सो फुल ऑन मेकअप हो चुका है, क्रिधा आ चुकी है, अब मैं जरा बाल बाल खोल के फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest.
सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक. मुझे लुक बहुत बहुत पसंद आया एंड आई एम लविंग माई मेकअप. जैसा मैंने सोचा था एकदम लाइट येट वेरी ब्यूटिफुल एकदम ही ऐसा मेकअप हुआ है. मुझे ऐसा मेकअप बहुत 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 पसंद है. स्पेशली माई आईज दे आर नॉट लुकिंग हैवी येट दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी प्रेजेंटेबल. आई ऑलवेज लाइक मेकअप ऑफ दिस काइंड ओनली जहाँ पे बहुत हैवी आई मेकअप नहीं होता है, बहुत हैवी लिप्स नहीं होते हैं. उसके बाद भी आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. सो आई लव टू क्रिएट this kind of makeup and this is how my eyes are looking right now. Thoda sa shimmer hai, nude shades hai, everything is nude. Cheeks mein thode se pink hai and आई एम तो लविंग दिस. आप मुझे बताइए कि आपको ये मेकअप कैसा लगा. अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऐसे ही और मेकअप लुक मैं आपके लिए लाती रहूंगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.